इसराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, लेकिन यरूशलम को बिना देरी के फिलिस्तीन की राजधानी घोषित कर देना चाहिए। तो अब मध्यस्थता की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों का जो रुख है फिलिस्तीन और इसराइल का, उसको देखकर लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में कुछ आसानी से हो पाएगा। तो देखिए, जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार है, ये तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है। तुर्की से पहले भी अपील कर रहा था कि युद्ध पर जो जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है उस पर विराम लगना चाहिए। अब तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से ये साफ तौर पर आया है कि अगर जंग रोकने के लिए वो मध्यस्थता उनकी जरूरत है तो वो करने के लिए तैयार। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे इसराइल के तेल अविव से। हमारे साथ भारतीय मूल की वीना पुष्करणा जुड़ रही हैं। वीना जी, पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या हालात बने हुए, सबसे पहले तो इंडियंस वहां के हालात जानना चाहते हैं। इंडियंस तो सब ठीक हैं, मगर जो हमको टीवी पे बताया जा रहा है, क्योंकि मैं तेल अविव में रहती हूँ, कि थोड़े हमारे कल एक फैमिली आई थी टेलीविजन पे, तो वो कह रहे थे कि उनके भाई और भाभी की मौत हुई है और बच्चे घूम रहे थे। यहाँ पे 100,000 हिंदुस्तानी यहूदी हिंदुस्तानी रहते हैं, उसके अलावा यहाँ पे और 20,000 हेल्पर्स जो बूढ़े लोगों को संभालते हैं, और आई थिंक स्टूडेंट्स और 2,000 या 4,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। पर स्टूडेंट्स जो है तेल अविव और हाइफा इलाके में हैं, ज़्यादा करके हिंदुस्तानी पॉपुलेशन जो है वो शदरोत, अश्केलोन, अशदोद और उतेफ आजा में रहती है, जहाँ पे सब बम्बार्डमेंट हो रही है। कल रात से हम तेल अविव में बॉम्ब शेल्टर में नहीं गए, पर 2 दिन तो बॉम्ब शेल्टर में ही बैठे हुए थे, क्योंकि आई थिंक इजराइल बॉम्बिंग कर रही है दूसरी साइड में, पर पूरी जो इजराइल है वो सोच रही है कि वो बच्चे और माएँ जो लेके जा रहे, जो लेके गए वो आजा में, उनका क्या होगा, वो कब वापस घर आएंगे, वो जो दादी थी वो कब घर वापस आएगी। रीना जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि बॉम्बिंग हो रही है और दोनों ही तरफ से हो रही है, लेकिन हमास की तरफ से जब अटैक किया गया, क्योंकि तेल अभी पर भी अटैक किया गया, आप कहाँ पर मौजूद थी, क्या वो सायरन की आवाजें आपको भी सुनाई दे रही हैं, बॉम्बिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप लोग डरे हुए हैं? 6:15 थी सुबह, तो हम लोग अचानक सायरन सुन के उठ गए, और हर घर में यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर है, तो बॉम्ब शेल्टर की तरफ हम भागे। मेरे 2 नातियों थे मेरे साथ में, तो उनको लेके अपने बिस्तरों से हम लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर भागे, और हमारे पास होम कमांड होता है फ़ोन पे, तो सुनाई दिया कि तेल अविव में जो है वो रॉकेट पड़ा। तो हमारे जो एरिया है हर्जिलिया है, वो जो तेल अविव के पास है, जब सायरन सुनाई देती तो टीवी पे साइड में ऑरेंज कलर पे आती है को कौन से एरिया में रॉकेट गिरने वाला है, तो नागरिक सब ये देख के अपने बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं। पर हालात यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है सबको कामनेस देने के लिए, सबको अश्योरिटी देने के लिए कि सब कुछ ठीक होने वाला है, पर अभी तक आतंकवादी जो है वो बॉर्डर एरियाज में हैं, और अभी तक काफ़ी लोगों को बचाया नहीं गया है जी। तो हम अपने चैट लाइन पे सब हिंदुस्तानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे को मदद करें। जो माएँ हैं वो, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था,
आधे तो उन्होंने आतंकवादी ने बच्चों को मार दिए, आधे को वो लोग आजा लेकर गए होस्टेज बना के। बहुत हर वक्त जो है एक कहानी आती है एक फैमिली की, क्योंकि इतने फैमिलीज को इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि यकीन नहीं आता है कि हम इज़राइल में बैठे हैं, जो आई थिंक वर्ल्ड का सबसे सिक्योर देश है। पर जी आई थिंक कभी कह रहे कि वॉर होने वाला है, हम हिंदुस्तान में बड़े पले हैं तो हमको पता है कि दोनों तरफ जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हम मेरे पास हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और मेरे यहाँ पे जो क्लीनर्स और डिश वॉशर्स थे वो सब पैलेस्टीनियंस थे, और ये पैलेस्टीनियंस नहीं है जो अंदर आए, ये हमास आतंकवादी हैं, वो बेचारे पैलेस्टीनियन अभी मारे जाएंगे। वो तो जी बेचारे 40,000 या 30,000 लोग रोज इसराइल में आते थे अपनी रोजी रोटी कमाने के वीना लिए। जी, हर देश की यही सच्चाई है कि जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, वो नहीं चाहते कि खून खराबा हो, लेकिन हमास जैसे जो संगठन तैयार हुए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्से में, इनका काम ही है सिर्फ आतंकवाद फैलाना। लेकिन आपने बहुत मार्मिक बातें हम दर्शकों के सामने, हम सभी के सामने, इंडियंस के सामने आपने रखी है। उसमें आपने कहा कि कुछ महिलाओं को, बच्चियों को वो आतंकवादी उठा कर लेके गए हैं, वो कब लौटेंगे, इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कुछ अभी तक आश्वासन कि वो लोग घर लौट सके, इसराइल लौट सके। सुबह सुबह न्यूज़ आ रहा है टीवी पे कि 130 नागरिक हमास के पास है और करीब 60 नागरिक इस्लामिक जिहाद के पास है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि अपने जेलों में जो सब टेररिस्ट है उनको निकालो तो हम बच्चे दे देंगे, मगर ये ठीक नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, सच नहीं है। ये सब पूरे दुनिया को आश्वासन देने के लिए, पूरे दुनिया को, क्योंकि अभी आगे आ चुका है कि ये लोग आतंकवादी है, ये लोग डर फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया इसराइल का साथ दे इस बुरे वक्त में। ये एक्चुअली सोच रहे थे कि और लोगों को अंदर अपनी रोजी रोटी दे, 30,000 या 40,000 से उसका डबल करे और लोगों को रोजी रोटी दे इसराइल में। पर ये तो सब उल्टा हो गया, ये लोग तो बिल्कुल मारना चाहते थे सबको, ये हमास। और जो जो बिल्कुल बात चल रही अरीना जी, थी हम भी यही चारों ओर, चाहते हैं कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में जल्द आए, आप लोगों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो, आश्वासन अगर सरकार की तरफ से मिलता है, जो माएँ, जो बच्चियां घर लौटना चाहती हैं वो लौटें, आप भी हौसला बनाए रखें, क्योंकि देखिए तमाम देश जो हैं इसराइल के साथ ज़रूर खड़े हुए हैं। जो भी बातें आपने साझा की है, एक थोड़ा सा हौसला ज़रूर यहाँ पर इंडियंस को ज़रूर मिला होगा। रीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।